Although we provided over $650 million in defensive assistance to Ukraine just this year, it's last year, let me say it again, our forces are not and will not be engaged in the conflict with Russia in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight in Ukraine, but to defend our NATO allies and reassure those allies in the East. As I made crystal clear, the United States will defend every inch of NATO territory with the full force of American power. एक और बड़ी अपडेट मिल रही है यूक्रेन के एक्शन पर. रूस ने दावा किया है यूक्रेन ने उस्कोल नदी का पुल उड़ा दिया है. साथ ही रशियन आर्मी को रोकने के लिए पुल उड़ाया गया, ये रशिया ने कहा है. और यूक्रेन के खार्किव में उस्कोल नदी का पुल उड़ाया गया. रूस की तरफ से ये जानकारी मिली है कि हमें रोकने के लिए पुल उड़ा दिया गया. ये बड़ी जानकारी जो कि रूस ने दी है और कहा है कि यूक्रेन ने एक्शन लिया हमारे खिलाफ. रूस ने इसके ऊपर दावा किया है यूक्रेन ने उस्कोल नदी का पुल उड़ा दिया ताकि हम अंदर प्रवेश ना कर सके, अंदर आ ना सके. रशियन आर्मी को रोकने के लिए पुल उड़ा दिया गया. यूक्रेन ने खार्किव में उस्कोल नदी का पुल उड़ाया. तो एक के बाद एक नई जानकारी मिले. देखिए सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं और इसी से यह साफ होता है जो रूस ने दावा किया है कि दरअसल हमें खार्किव के अंदर प्रवेश करने के लिए उस्कोल नदी पर जो बना हुआ ब्रिज था, जो पुल था, उससे उड़ा दिया गया. ये तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज के हवाले से मिली है, वो आपको हम दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे वहां पर अचानक से विस्फोट होता है और जो ब्रिज बना हुआ था उस्कोल नदी पर उसे उड़ा दिया गया. यूक्रेन के सैनिकों ने ये कदम उठाया ताकि खार्किव में रशियन सैनिकों को प्रवेश करने से रोका जा सके. परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर.